दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। देहात पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरोह की निशानदेही पर पंजाब भर में हुई 30 के करीब वारदातें ट्रेस की हैं। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 2 दिन की रिमांड पर ले लिया गया है। इस संबंधी जानकारी देते हुए SP हरकमलप्रीत सिंह खक ने बताया कि CIA स्टाफ की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर लोहिया के अधीन आते गांव सीचेवाल के निकट विशेष घेराबंदी के दौरान गिरोह के सभी सदस्यों को दबोच लिया। आरोपियों की पहचान पूरन सिंह निवासी गांव परजिया लुधियाना, सरबजीत सिंह निवासी गांव महतपुर जलंधर, रोशन निवासी महतपुर, जगदेव सिंह निवासी लुधियाना, बलविंदर सिंह निवासी लुधियाना के तौर पर हुई है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने एक 315 बोर की पिस्तौल, एक कारतूस, दातर, बेस बैट, 2 बलेरो गाड़ियां, 10 पंखों सहित अन्य चोरी का सामान बरामद किया है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है। पुलिस ने 6 मेंबरी गिरोह का पर्दाफाश किया। ये जिहड़ा गिरोह 3 तरह दी चोरी करता सी। नंबर 1 ट्रांसफॉर्मर विचों तेल कढ़दा सी ते उहदा तांबा कढ़ के बेचदे। नंबर 2 जिहड़ियां भी दुकानां हाईवे ते जां ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਪੜ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਗਰਾਵਾਂ, ਖੰਨਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ 35 ਚੋਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਦਮੇ ਦਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਆ ਮਾਰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ 5 ਬੰਦੇ ਥਾਣੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੜੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 30-32 ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਆ, ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਗਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ।